दुर्ग जिला मुख्यालय में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल पर आरोप लगाया और कहा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया है। बलौदाबाजार मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर दुर्ग में शनिवार को धरना प्रदर्शन करने कांग्रेसी पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले रोका गया, धरना स्थल पर पहुंचते समय सिरसा गेट पर बजरंग दल के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। मजदूर पानी टंकी बनाए गिरफ्तार करे समाज के व्यक्ति मन के कि ये अपराधी नहीं हो सका। वक्ताओं को मंच में आने के लिए जगह दीजिए भैया आप लोग। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में वर्तमान सरकार पर सवाल उठाए और जिसकी पूर्व मुख्यमंत्री ने कड़ी निंदा की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की हरकत उनके साथ हुई है उसकी जांच अवश्य की जाए। इस दौरान आज के कार्यक्रम में धरना प्रदर्शन में कांग्रेसी बड़ी संख्या में शामिल रहे। सभी ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन से पहले बलौदाबाजार पुलिस ने भिलाई में फिर से छापेमारी की है। पुलिस ने खुर्सीपार के 6 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। हिंसा मामले में सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इन सभी को बलौदाबाजार हिंसा में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया है। ये सभी विधायक देवेंद्र यादव के करीबी बताए जा रहे हैं। मैं उसमें नहीं, अभी मैं पहले दूसरी बात बताता हूँ फिर उसके बाद बोलूंगा। मैं जैसे अपने निवास से निकला, सिरसा गेट चौक के पास आया, 50-60 लड़के ताक में थे। जैसे चौक में आया पहुंचा गाड़ी, तीनों कारकेट मेरी पहुंची, वैसे ही 50-60 लड़के चौक पे आ गए और गाड़ी रोकने लगे और गाड़ी रोक के वो नारेबाजी भी कर रहे थे, मेरी गाड़ी की भी रोके। और उसके बाद जो मेरे सुरक्षा कर्मी हैं उनके साथ धक्का मुक्की किए और पीछे वाली गाड़ी मेरे निकलने के बाद पीछे वाली गाड़ी के भी रोक लिए थे। ये सरासर गुंडागर्दी बजरंग दल के द्वारा किया गया है, कोई पूर्व सूचना नहीं, और इस प्रकार से मुझे रोकने की कोशिश की गई है। सुरक्षा सरकार की देने की जिम्मेदारी है और मुझे सिरसा गेट चौक में दिन दहाड़े बजरंग दल के गुंडे मुझे रोक रहे थे और बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, तो ये मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सूचना दे रहा हूँ। तो ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन, जानबूझी करा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग इसको करा रहे हैं। तो क्यों करा रहे हैं, क्या माना चाहिए? अब उसे तो उनसे पूछना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कल कोई भिलाई 3 में घटना घटी उसी की बात कर रहे थे, तो भाई घटना घटी है तो जाए थाने में जाए, सरकार उनकी है, गिरफ्तार करे, बुलडोजर चलाए, हमको क्या लेने देना। यदि उसकी सरकार निकम्मी है और लोगों की जान माल की रक्षा नहीं कर पा रही है, हम लोगों साथ करेंगे ये बात। ACN न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।